नमस्कार, मैं खुशी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ आईएमडी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने आज के दिन किया था क्लोन भेड़ बनाने का ऐलान। स्कॉटलैंड के रॉसलिन संस्थान के वैज्ञानिकों ने 22 फरवरी 1997 को ऐलान किया था कि पहली बार किसी मैमल से निकाली गई कोशिका से क्लोन बनाने में सफलता मिली है। इस क्लोन भेड़ को डॉली नाम दिया गया था। डॉली का जन्म तो 5 जुलाई 1996 को हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा 7 माह बाद 22 फरवरी को की गई थी। इससे भ्रूण कोशिकाओं से क्लोनिंग की जाती थी, लेकिन ये पहला मौका था जब क्लोनिंग के लिए वयस्क कोशिका का इस्तेमाल किया गया था। 1732 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन का आज के दिन हुआ था जन्म। जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म 22 फरवरी 1732 को अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। उन्हें फादर ऑफ अमेरिका एवं अमेरिका के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी दिलाने और अमेरिका की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के अमेरिका का 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बनने का नियम बनाया। जॉर्ज वॉशिंगटन को भयानक सर्दी और गले में इन्फेक्शन लगने की वजह से 14 दिसंबर 1799 को उनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रता सेनानी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का आज के दिन हुआ था जन्म। स्वाधीनता संग्राम के नायक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव में हुआ था। उन्होंने जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्हें देशप्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। 1932 में यतीन्द्र मोहन को गिरफ्तार कर पूना, दार्जिलिंग और रांची की जेल में रखा गया। रांची के जेल में 1933 में उनका निधन हो गया। वह बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उनकी पत्नी नेली सेनगुप्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही। कस्तूरबा गांधी का आज के दिन हुआ था निधन। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। उन्हें बा के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर बा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण देने का निश्चय किया था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के आगा खां महल भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच जब एकाएक महादेव देसाई ने महाप्रयाण किया तो उस सदमे से वह उबर नहीं पाई। धीरे धीरे कस्तूरबा गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 22 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 22 फरवरी दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी सफेद तथा निषेध रंग हरा सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चों पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्च अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। विद्यार्थियों का मनोनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी स्लेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा। औरों से आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े।
वाणी व आचरण पर संयम रखे अपमान के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी लाल तथा निषेध रंग काला नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग है। शुभ रंग पीला सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा बैंगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पैसा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवारजनों से संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खीन हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।